नमस्कार, जय सराम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल व फेसबुक पेज पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कार्तिक माह में दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया। गंगा स्नान दान व सबसे ज्यादा जो पुण्य देता है वह दीपदान का महत्व बताया गया। तो आइए जानते हैं कहाँ कहाँ दीप प्रज्वलित करना चाहिए। सबसे पहले तुलसी के पौधे में दीप दान करना बेहद आवश्यक होता है कार्तिक माह में। दूसरा, मंदिर में, किसी भी शिवालय में या भगवान विष्णु के मंदिर में दीप दान करने का विशेष महत्व है। तीसरा, किसी नदी या तालाब के किनारे। चौथा, गौशाला में। और पांचवा, अपने घर के मुख्य द्वार पे। यह पांच ज्योत जलाने से किन किन फल की प्राप्ति होगी वह भी जान लीजिए। जो व्यक्ति तुलसी के वृक्ष के निकट ज्योत प्रज्वलित करते हैं उनके घर से दरिद्रता दूर होती है। जो व्यक्ति मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपदान करते हैं, उससे उनके कुल देवी और कुल देवता प्रसन्न होते हैं। इससे आयु आरोग्यता की वृद्धि होती है, घर में बरकत होता है। तीसरा, नदी या तालाब या कुआं के पास, अगर मान चलिए आपके गांव क्षेत्र में नदी नहीं है, तालाब नहीं है, तो कुआं तो होगा ही, आप कुएं के पास ज्योत करो। ऐसा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जल जो है, स्वच्छ जल पीने से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए ज्योत गंगा के तट पे, किसी कुएं या तालाब के तट पे प्रज्वलित करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। चौथा, गौशाला में। गौ माता के शरीर में 33 कोटि के देवी देवताओं का स्थिरता माना गया है। तो ऐसे में गौशाला में ज्योत प्रज्वलित करने से जो हमारे सनातन धर्म के 33 कोटि के देवी देवता हैं उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। और पांचवा, हमने कहा घर के मुख्य द्वार पे। घर के मुख्य द्वार पे ज्योत प्रज्वलित करने से घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है। यमराज प्रसन्न होते हैं और यमराज प्रसन्न होते हैं तो अकाल मृत्यु घर के सदस्य की नहीं होती। इसलिए इस कार्तिक मास में पांच जगह मुख्य रूप से ज्योत प्रज्वलित करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं पुनः किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।